तो दोस्तों नेल्को यानी कि नेशनल एल्युमिनियम ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी की ओर से किसी प्रकार के डिविडेंड की अनाउंसमेंट इस क्वार्टर में नहीं की गई है। कंपनी ने क्लियरली मेंशन किया है कि इससे पहले कंपनी दो बार डिविडेंड ऑलरेडी दे चुके हैं, तो इस क्वार्टर में कंपनी की तरफ से कोई डिविडेंड नहीं दिया जा रहा है। नंबर क्रोस में दिया गया तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 3,347 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 3,671 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू गिर के 3,580 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखेंगे। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल सरप्राइज है यहाँ पे, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू गिरना नहीं चाहिए था। साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 2.5 से 3% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी भी आपको देखने को ऑलमोस्ट बोल सकते हैं वहाँ पे 6 से 7% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन साल दर साल देखें तो बहुत बड़ा सरप्राइज आपको देखने को मिला है। कंपनी के रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। अच्छी खासी मैं क्यों बता रहा हूँ ये समझिए आप, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी ने 3,580 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू हुआ वो 3,950 करोड़ के आसपास है। जी हाँ, 3,950 करोड़। तो आप कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से 11-12% कम आपको कंपनी का रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 2,730 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3,160 करोड़, अभी देखें तो कंपनी इसे 2,720 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे ऑनलाइन वेज कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कंपनी के रेवेन्यू के अंदर जो गिरावट है वो थोड़ी सी चिंता वाली बात है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है पहले वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 470 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, पिछले साल 495 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 996 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट जो है वो डबल होता हुआ देखने को मिल रहा है, जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पर भी लगभग डबल ही देखने को मिल रहा है। तो आप कहेंगे कि ऐसे कैसे हो गया, कंपनी का जो प्रॉफिट है डबल कैसे हो सकता है जब एक्सपेंस आपको हाई देख मतलब एक्सपेंस देखा जाए तो एक्सपेंस कुछ खास है नहीं, तो ऐसे कैसे इतना कैसे बढ़ सकता है कंपनी का जो प्रॉफिट है। तो देखिए इसके पीछे एक रीज़न है, वो है कंपनी का एक्सेप्शनल आइटम। इस क्वार्टर में 426 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है इतना बड़ा आपको देखने को मिला है। अगर एक्सेप्शनल आइटम हटा के कंपनी का प्रॉफिट देखें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी जिसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं तो पिछले क्वार्टर में 668 करोड़ के आसपास, पिछले साल 566 करोड़, अभी देखें तो 942 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। मैं आपको बता दूँ नेट प्रॉफिट ही देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट का एस्टिमेट तो नेट प्रॉफिट के ऊपर ही होता है। तो कंपनी ने शो कितना किया है, कंपनी ने शो किया है इस क्वार्टर में 996 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था 552 करोड़ के आसपास। तो 996 में से अगर 426 को हम हटा भी देते हैं तो कितना हमारे पास निकलता है, लगभग निकलता है भाई 570 करोड़ के आसपास, और मार्केट का अनुमान था 555 करोड़ के आसपास। आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था कंपनी का जो प्रॉफिट है उससे थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। EPS की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 2.5 रुपये के आसपास, पिछले साल 2.70 रुपये, अभी देखें तो 5.5 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से रेवेन्यू जो है मार्केट की उम्मीद से कम है, और कंपनी का जो प्रॉफिट देखे तो मार्केट की उम्मीद से थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं इस नंबर को मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।